दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारे चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं दो रेसिपी, तो करेले के चोखा और लौके का रायता। तो चलिए पहले करेले का चोखा बनाते हैं। करेला फ्रेश लिए हैं, उसको 10 मिनट तक उबालने के लिए रख दिए थे। अब देखते हैं इसका क्या हालचाल है। करेला हमारा बॉयल हो चुका है। अब बॉयल करेले को एक छानने वाले में छान लेते हैं। एक एक करके सारे करेले को छान लेते हैं। अभी गरम है, करेले को निकाल लिए। अब इसको ठंडा होने के लिए इंतज़ार करते हैं, या अगर जल्दी है तो आप ठंडे पानी से धो सकते हैं। देखिए धो लिए हैं ठंडा पानी से हम। अब इसको एक एक करके सारे करेले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मिक्सर के सहायता से आप मिक्स कर सकते हैं इसको। या अभी करेला हमारा गरम है, इसीलिए अच्छी से हाथों से भी आप मैस सकते हैं। करेला मैस हो चुका है। अब चलिए इसके रेमेडी और तैयार करते हैं। डालते हैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, डाले हैं आम का अचार, इसके जगह आमचूर पाउडर, नींबू का रस डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दें हैं, लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। करेले का चोखा बहुत स्वादिष्ट और शरीर के लिए, सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। देखिए हमारा चोखा रेडी हो चुका है, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए। और लौकी का जो रहता है उसका वीडियो नहीं बनाया है, उसका वीडियो अगले दिन। वीडियो पसंद आता लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।